कहाँ से चलेगा? आवाज जा रही है? कौन सा धातु चलेगा? ष्ठाग क्या? अच्छा, ण्यंत प्रक्रिया ना। महादेव था गति निवृत्त हो, इसका पूरा नहीं हुआ। तिष्ठते रीत नहीं हुआ। अच्छा, लुंग, अच्छा लुंग लकार दीजिए। है अधि तिष्टिपत। देखो धातु तो स्था है, ष्ठा सकार ठा, पहले धातु दे सहस से क्या होगा? दंत सकार हो जाएगा, और जो ठकार है उसको क्या होगा? थकार हो जाएगा, ठीक है। तो रहेगा धातु स्था रहेगा, क्या रहेगा? स्था, बराबर है। स्था, उसके बाद क्या आ गया? हणिंग, हेतु मति चसे हणिंग हो जाएगा। हणिंग बोल दिया, हणिंग बोल दिया, णिच होगा। निच का क्या रहेगा? ई रहेगा, क्या रहेगा? ई रहेगा, ठीक है। तो स्था प्लस क्या है? ई, बराबर है। और ये जो आपका धातु क्या है? आकारांत, इसलिए अर्ति ह्रीबली सूत्र से क्या होगा? पुकागम हो जाएगा ना, है ना, है ना अनुराग? किसको होगा पुकागम? किसको होगा? किसको आगम होता है पूछ रहा हूं मैं आपको। धातु को होता है कि प्रत्यय को होता है? धातु को होता है। धातु को होगा तो स्था धातु को होगा। पू का क्या रहेगा? पकार, ककार की संज्ञा, पुकार उच्चारण के लिए है, तो कित होने से क्या होता है? आद्यंतो टकित, तो उसे अंतावयव होता है, तो स्था के बाद पकार बैठेगा। स्थाप प्लस क्या है? ई, तो स्थापी धातु होगा। फिर अभी धातु क्या हो जाएगा? स्थापी, है ना? स्थापी की धातु संज्ञा होगी किससे? सनाद्यंता धातव से, उसमें आया णिच, है सनादिगण में आया। क्या है बोलो श्लोक? चार आपको पड़ेज, फिर बोलो। संक्यच क्या बोल रहे हो? संक्यच काम्यच क्यं केशो था, आगे चार चार क्विपड़िज यंगौ तथा, आगे जगाय यंगणिंग चेते द्वादशामी सनांद, ठीक से याद करो। तो उसमें तो आ गया ऋणिच, ठीक है। तो स्थापी की धातु संज्ञा हो जाएगी, धातु संज्ञा हो जाने से क्या आएगा? लुंग लगाड़ चला रहे हो, है तो तीप, तीप हो जाएगा। क्या आ जाएगा? तीप, तीप क्या रहता है? तकार शेष रहता है, ठीक है। अब क्या होगा ऐसा होने के बाद? है निश्री दुश्रुभ्य कर्तरी चंग, चंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंग। स्थापी आगे क्या है? चंग का अ,
चंका ओ के बाद ओ, टीप का तकार आ जाएगा, हो गया। फिर ई का लोप हो जाएगा, किसे बताओ, किससे? चंग से होता है, नैराणटी से। नैराणटी से क्या होगा? है, हाँ हो गया ना। किसका लोप हो जाएगा? ई का लोप हो जाएगा, नीच के ई का लोप हो जाएगा, हो गया। तो कितना रहा? स्थाप, स्थाप ओकार आगे तकार, सुनते हो। अब जो है ना, अब ये सूत्र आया, तिष्ट तेरित आ गया। क्या आ गया? तिष्ट तेरित। क्या बोलते देखो, उपधाया ईत आदेश स्यात् चंग परे अणौ, है ना। तो धातु क्या है? स्थाप है कि नहीं? ई चला जाएगा तो कितना रहेगा? स्थाप। स्थाप के बाद क्या था? नीच का इकार था, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम कर लो, है ना। तो नीच का इकार है ना, प्रत्यलक्षण करके पर में क्या है? चंग का अ है, तो चंग परे नौ, जिसके पर में चंग हो ऐसा नीच का इकार है कि नहीं, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण करने पर। उसके पूर्व में क्या धातु है? स्थाप है कि नहीं? तो स्थाप हो गया अंग, तो स्थाप अंग की उपधा कौन है? आकार। आकार क्या करेगा? इकार कर देगा, हो गया। तो इकार जब कर देंगे तो कितना रहेगा? स्थिप, है ना, स्थिप हो जाएगा ना। स्थिप आगे अ आगे ती का तकार, ठीक है। भगवान सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ, नहीं आया तो पूछा करो। अब द्वितीय करो चंगी से। चंगी से क्या कर देंगे? द्वितीय कर देंगे किसको? स्थिप को। स्थिप है ना धातु, अभी इसको द्वितीय कर दो, स्थिप स्थिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिप स्थिप अ आगे तकार, हो गया ना। द्वितीय कर दिया, अभ्यास कौन है? हैं, स्थिप हो गया है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? हलादि शेष लगेगा कि दूसरा कोई लगता है? सर पूर्वाहा खय। सूत्र से क्या होगा? क्या शेष रहता है? खय, जिसके पूर्व में सर हो ऐसा खय का शेष होगा। सर पूर्वा खय किसका अपवाद है? हलंतिम का, हलादिशेष का। हलादिशेष का क्या है अपवाद? कौन सूत्र? हाँ, तो स्थिप अभ्यास में है ना, तो कौन है खय? है थकार है, लेकिन थकार शेष रहेगा, बाकी सब चला जाएंगे। कौन चला जाएगा? सकार भी चला जाएगा और पकार भी चला जाएगा। तो क्या रहेगा? इकार तो रहेगा, इकार कहाँ जाएगा? वो थी रहेगा। क्या रहेगा? थी रहा, थी आगे स्थिप आगे बोलो। हाँ, अभ्यास है चर्च, ये चर्च कर देंगे थकार को, चर्च कर देंगे तो क्या होगा? तकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तकार हो जाएगा। तो क्या रहेगा? ती रहेगा अभ्यास, ती आगे स्थी स्थिप है, ती स्थिप ओकार आगे तकार, हो गया। ती के बाद क्या है? सकार है ना, स्थिप का सकार है, उसको क्या कर दो? मूर्धन्य कर दो। किस सूत्र से? आदेश प्रत्यय। क्या मान करके? आदेश मान करके कि प्रत्यय का अवयव मान के सकार को। आदेश है ना, आदेश कैसे हुआ? किसके स्थान पर आदेश हुआ है? ये बोले ज्योतिर्मानंद, ये सकार है, दंत सकार अभी है कि नहीं? ये दंत सकार आदेश है, किसके स्थान पर आदेश हुआ है? हाँ, पहले मूर्धन्य था ना, मूर्धन्य सकार वो क्या हुआ था? दंत सकार हुआ था। किस सूत्र से? धात्वादेह सहस, आदेश आदेश स्वरूप हो गया। कौन?
दंत सकार, इसलिए उसको मूर्धन्य हो जाएगा। मूर्धन्य हो जाएगा तो क्या होगा, तिष्ठीप, तिष्ठीप आगे अ, ओटागम कर दो अभी, अतिष्ठीप, चौंक के अ के साथ क्या रहेगा, अतिष्ठीप, आगे तका जोड़ दो, अतिष्ठिपत, ऐसा हो जाएगा, हो गया ना, क्या होगा, अतिष्ठिपत। अब चलाओ सरल है, अतिष्ठिपत, अतिष्ठिपतम, अतिष्ठिपन, अतिष्ठिपः, अतिष्ठिपतम, अतिष्ठिपत, अतिष्ठिपम, अतिष्ठिपाव, ऐसा हो जाएगा ना। हाँ, ये आत्मनिपद में भी चलेगा क्या, चलेगा, क्या बोलता है, नीचश्च, है कि नहीं, पीछे नहीं गया, पूर्वपन्न में क्या गया, नीचश्च, जो णिजन्त होता है ना वो उभय पद में होता है ना, क्रियाफल, क्रिया का फल अपने को मिलता है तो आत्मनिपद, दूसरे को मिलता है तो परसिपद, आत्मनिपद में चलेगा ये, है कि नहीं। परसिपद में क्या था, स्थापयति था, नहीं, इसका क्या होगा, स्थापयते, क्या बनेगा, स्थापयते बन जाएगा, ठीक है, एक की तरह चलाओ और क्या है ना राजू। और क्या, स्थापयते, स्थापयेते, स्थापयन्ते, स्थापयसे, स्थापयताम, स्थापयेताम, स्थापयन्ताम, स्थापयै, अस्थापयत, अस्थापयेताम, अस्थापयथाः, अस्थापये, जहाँ पर गड़बड़ है जो धीरे बोलते हो धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो, लोग होशियारी करते हैं, जहाँ पर संशय हो ना वहाँ पर धीरे बोल देते लोग बिजलिंग बोलो, स्थापये त, स्थापये बहि, हो गया, बिजलिंग हो गया, अब क्या आएगा, आशलिंग में स्थापय शिष्ट होगा, क्या होगा, बोलो, भम होगा ना, स्थापयसीय, स्थापयिता, स्थापयितारो, स्थापयितारः, स्थापयितासे, स्थापयितासाते, स्थापयिताद्वे, स्थापयिताहे, स्थापयिताजहे, स्थापयितास्महे, स्थापयिष्यते, स्थापयिष्येते, स्थापयिष्यन्ते, स्थापयिष्यसे, स्थापयिष्येते, स्थापयिष्यद्वे, स्थापयिष्ये, स्थापयिष्यावहि, स्थापयिष्यामहे, वहि महे, अस्थापयिष्यत, स्थापयिष्यन्त, अस्थापयिष्ये, अस्थापयिष्यावहि, स्थापयिष्यामहि, ठीक, अब क्या आएगा, लिट देखो, क्या होगा, स्थापयाम चक्रे, और क्या, स्थापयाम चक्रे, चक्राते, स्थापयाम चक्रे, स्थापयाम चक्रिशे, स्थापयाम चक्राते, स्थापयाम चक्रिद्वे, स्थापयाम चक्रे, स्थापयाम चक्रिवहे, स्थापयाम चक्रिमहे, अब क्या आएगा, लुंग, परसिम पद में क्या बनाता है, हाँ, अब क्या बनेगा, तो आत्म जो आ जाएगा ना, प्रक्रिया तो वही होगी, अतिष्ठिपत, अतिष्ठिपा मही, और क्या, अतो दीर्घ ही लग जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा धातु आ गया,
घट चेष्टायाम बोलो। ये घट चेष्टायाम, घट चेष्टा ना चेष्टा करना है ना, घट चेष्टायाम। तो यहाँ पर जो है इसको बंद कर दो, आज आंधी है बाहर में जी। आंधी है। हाँ ठीक है, तो चलो घट चेष्टायाम ही आएगा। तो ये भ्वादिगण में आता है, घट कहाँ पर आता है? भ्वादिगण में आता है ना। भ्वादिगण में आता है तो वहाँ पर आत्मी पद में ये चलता है, घटते बनता है, घटती बनता है, घटते बनता है ये। हाँ आत्मी पद में चलता है, घटते आत्मनि पद में चलता है ये, भ्वादिगण में आता है ये, घटते बन जाता है। ठीक है, घटत घटों का घट रहेगा, क्या रहेगा? हाँ घट रहेगा ना, घट ही रहेगा। तो घट जब रहेगा तो घटते बन जाता है, ये धाते की तरह चलेगा। पहले उसको चलाते हैं, किसको? नहीं नहीं परसों पद कहाँ चलेगा, आत्मनि पद में है ना, तो घटते बन जाएगा। बोलो घटते घटते घटन्ते, नीच नहीं हो रहा है, नीच नहीं, केवल घट है ना, घटते हो जाएगा एधते की तरह। उसको चला दो पहले, घटते घटते घटन्ते, घटसे घटेते घटद्वे, घटे घटावहे घटामहे, घटताम घटेताम घटन्ताम घटस्व घटेताम घटद्वम घटे घटावहे घटामहे। हाँ अघटत अघटताम अघटताम कैसे होगा, अघटेताम अघटन्त अघटथाः अघटेताम अघटद्वम अघटे अघटावहे अघटामहे। घटेत घटयाताम घटेरन घटेथाः घटेयाताम घटेद्वम घटेया घटेवहि घटेमहि। ठीक, अब क्या आएगा? आशीलिंग आएगा। आशीलिंग जब आएगा तो क्या बोलते हैं, घटिशिष्ट होगा, घटिशिष्ट घटिशी आस्ताम घटिशी रन घटिशिष्ठाः घटिशी आस्ताम घटिशी ध्वम घटिशीया घटिशी वही घटिशी मही। हाँ घटिता घटितार घटितारो घटितार घटितासे घटितासाथे घटिताद्वे घटिताहे घटितास्वहे घटितास्महे। घटिष्यते घटिष्येते घटिष्यन्ते घटिष्यसे घटिष्येते घटिष्यद्वे घटिष्ये घटिष्यावहे घटिष्यन्ते। अघटिष्यत अघटिष्येताम अघटिष्यन्त अघटिष्यथाः अघटिष्येताम अघटिष्यध्वम् अघटिष्ये अघटिष्यावहि अघटिष्यामहि। हो गया ड्रिंग, अब आएगा हाँ तो घट, घट होगा घट घट आगे तो, को क्या होगा एस, एस का ए नहीं, अभ्यास क्या है घट हैं, तो घकार को क्या होगा कोश्चू, कोश्चू होता है ना, अभ्यास के क वर्ग को च वर्ग होगा, क ख ग घ घ हो गया चौथा है ना, इसी प्रकार च छ ज झ होगा, घकार को झकार हो जाएगा कि नहीं होगा, और फिर अभ्यास चर्चा से क्या होगा उन्होंने जस होगा, झसाम जसस बोल दिया जस हो जाएगा, झकार को जस होने पर क्या होगा जकार हो जाएगा, हलादि शेष तो अभ्यास क्या रहेगा ज जघट हो जाएगा उनका, झघट झघट प्लस ए जघटे हो जाएगा है ना, जघटे जघटाते जघटीरे जघटीशे जघटाते जघटिद्वे। ढोए होगा कि ढोए होगा, ढो होगा नहीं होगा, इड़ंतंग नहीं ना, जघटी ध्वे जघटे जघटी बहे। हाँ बराबर है, अब क्या आएगा लुंग, लुंग आ जाएगा ना, अब क्या आएगा लुंग, लुंग जब होगा तो
क्या होगा, हाँ क्या बोलते हैं, घट है ना, तो अ घटिष्ट होगा और क्या होगा, अघटिष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, गुण वृद्धि तो कुछ होना नहीं है, ये तो आत्मनिपद है। अघटिष्ट क्या दिया है, अघटिष्ट दिया है, रूपचंद्रिका में दिया है क्या, इसका क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ऐप देख रहे हैं। आजकल ऐप, आजकल ऐप का जमाना है। तो अघटिष्ट स्थातम, स्था कहाँ से आ गया, अघटी साताम, अघटिश रहा ना सिच के सगर, अघटी साताम, अघटी सत, अघटिष्ठा, अघटी ढ्वम, ढ्वम होगा ना, सद्धम कहाँ से होगा, सकार का लोप नहीं हो गया धीचे से, अघटी ढ्वम होगा, अघटी से अघटिश बही पूरा हो गया। अब देखो, अब जो नीच करोगे हेतु मति से क्या करेंगे, नीच कर देंगे, किससे, हेतु मति च सूत्र से नीच कर दो, तो नीच कर देंगे तो क्या होगा, घट आगे ई, घट प्लस ई, सुनते हो, हाँ घट प्लस ई, और क्या होगा, देखो घट में उपधा कौन है, अकार, अत उपधा से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होने पर घाट हो गया, क्या है, घाट, घाट प्लस ई कितना हुआ, घाट प्लस ई, ऐसी स्थिति होने पर, कैसी स्थिति होने पर, घाट ई, ऐसी स्थिति होने पर ये सूत्र आता, देखो मिताम ह्रस्व, मितान ह्रस्व, दो पद हो गए, मिताम, मित का मितम षष्ठी वचन, ह्रस्व प्रथमांत है, ठीक है। तो ये नौ चंगु पद है, ह्रस्व उसके अधिकार में होगा मेरे ख्याल से, 6 4 92, 6 4 92, 6 4 92, 6 4 92, हाँ मिल गया, 6 4, नहीं, उसके अधिकार में नहीं है, 209, एक सूत्र है 209, 90 नंबर सूत्र, वहीं से अनुभूति आ जाती है, अणु की आ जाती है ना। तो ये क्या करता है, देखो अणु कहने से णिच अथवा णिंग प्रत्यय परे रहते, तो क्या कर देगा, ह्रस्व, ये सूत्र ह्रस्व का आदेश करता है, क्या करता है, विधि सूत्र हो गया, ठीक है। तो ह्रस्व होगा तो किसको होगा, उपधा को बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या है, हाँ 92 सूत्र है, उपधा की अनुवृत्ति आ जाएगी, उत उपधया गुह, 89 नंबर सूत्र है, वहीं से उपधा की अनुवृत्ति आती है, उपधा को हर्ष होगा, किसको, उपधा, हर्ष होगा तो किसको होगा, अच को होगा कि हल को, अच को होता है ना हर्ष, कि हल को भी होता है, कैसे, कैसे पता लगा, कैसे पता लगा अनुराग, हल को, हल को नहीं होता है, अच को होता है, कैसे पता लगा, ठीक कह रहे है। उकालो से औच को नहीं बोलते वहां पर, उकालोच, इसमें क्या सोचना है, औच को ही और सब होता है, हाँ दीर्घ, दीर्घ तो होता होगा हल को नहीं होता है, चाहे हर्ष दीर्घ प्लुत ये सब औच को ही होता है, हल को नहीं होता है, ठीक है। चलिए, किसको, किस अंग के उपाधाय को बोलते हैं, मिताम, मित अंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मित अंग, तो ये मित होता है, दो जगह पर मित हुआ है, कितने जगह पर, एक तो भ्वादि गणपठित घटादि को, क्या भ्वादि गणपठित घटादि गण, घटादि गणपठित,
भ्वादि गण में एक गण आता है घटादि, क्या सुनते हो? वादी गण में भ्वादि गण के अंतर्गत एक गण आता है घटादि गण, उस घटादि गण क्या होता है? मिथ होता है। क्या होता है? ऐसा लिख कर रखो, नहीं तो ढूंढते रहोगे मिलेगा नहीं। भ्वादि गण के अंतर्भुक्त एक गण है घटादि, क्या है? घटादि, उसको मिथ होता है। उसको क्या होता है? मिथ होता है, सुनते हो? घटादि अरे भाई, द्वारा भ्वादि उसको गण पठित, भ्वादि गण के अंतर्भुक्त एक गण है घटादि गण, उसको मिथ होता है, उसको मिथ होता है, उसको मिथ कहा गया है, ऐसे समझ लो। मिथ कहा गया है उसको, कहते हैं गौण सूत्र। क्या कहते हैं? हाँ, गौण के अंतर्गत भी सूत्र पढ़ा गया है, उसका नाम क्या है? गौण सूत्र। ठीक है, वो गौण सूत्र लिखो, घटादयो मिथ। क्या सूत्र है? हो घटादयो मिथ हो गया। क्या लिखा आपने? गया घटादयो मित हो गया। और एक जगह पर मित कहा गया, अभी जो है ऋणंत में चूरादि गण लिखो। चूरादि में, चूरादि गण के अंतर्भुक्त एक गण है ज्ञपादि गण। ज्ञपादि गण किस गण के अंतर्भुक्त? दिन चूरादि गण में, है कि नहीं? कौन सा गण? ज्ञपादि गण, उसको भी मिथ कहा गया, उसको भी मिथ कहा गया है ना? ज्ञप मिथ च लिखो, ज्ञप मिथ च। क्या लिखा? ज्ञप मिथ च, ये भी गौण सूत्र है। ठीक है, कोई गौण सूत्र बोल सकते हो? गौण के अंतर्गत कोई सूत्र हो उसको उसको गौण सूत्र बोलते हैं। कौन बोल सकते हैं गौण सूत्र? कोई बोलो। पूरे बराबर हाँ ठीक कह रहे। आया कहाँ पर है? सर्वाधि गण में आया कि नहीं? सर्वाधि गण के अंतर्गत एक सूत्र है, बताइए। सर्वाधीन पूर्व बराबर हाँ बोले, पूरा दक्षिण बोलो। पूर्व बराबर दक्षिण उत्तराधिकारण संज्ञायाम संज्ञायाम ये सूत्र है, मतलब गौण के अंतर्गत सूत्र। और पाणिनि में अष्टाध्यायी में भी एक सूत्र है कि नहीं? क्या क्या सुनते हो? जी, ये सूत्र कौन सा है जो अभी ज्योतिर्नारायण जी ने बोला? सर्वादिनी सर्वनामानी है ना, अजंत पुल्लिंग में उसकी वृत्ति में दिया है ना, सर्व विश्व उभय उभय लिखने के बाद आगे कहा ना, पूर्व बराबर दक्षिण उत्तरा पर आधारणी व्यवस्था में संज्ञायाम समज्ञा आदि धनाख्यायाम, ये सब गौण सूत्र है ना कि नहीं? ठीक है, और गौण सूत्र क्या बोलता है? अरे पूरा बोलो, असंख्य से बोलो। पूर्वादि को क्या करेगा? पूर्वादि को विकल्प से अब बोलो। विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है अगर किसी का नाम ना होता। बोलो राजू। ध्यान नहीं है? ध्यान नहीं तो अब निकालो, बताता हूँ, निकालो। बोलो सर्वादिनी। निकालो, कहाँ सुन रहे हो? अजंत पुलिंग में मिला क्या पृष्ठ है? देखो बताता हूँ, सर्वादिनी के वृत्ति में लिखा है कि नहीं? पूर्व परावर ये क्या करता है? अब तो देख करके बोलो अनुराग। जिसमें विकल्प से कहाँ जस बोला? कहाँ जस बोला तू? अरे देख करके बोल, देख कर बोलना नहीं आ रहा तेरे को?
कहाँ देख रहा है तू, पागल की तरह है। सर्वादिनी सूत्र की वृत्ति में बोलने, इतना बोलने पर भी उनको नहीं पकड़ में आ रहा है। रात में नहीं सोए हो तो फिर तो क्या बोल रहे हैं बोलो, देख कर बोलना नहीं आ रहा है। आप बोलो ज्योतिर्मानंद जी। इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई, संस्कृत तो लिखा है व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, व्यवस्था अर्थ में और किसी का नाम न हो तो पूर्वादि की क्या होगी, सन्नाम संज्ञा होगी, ये बोलता है। इसमें क्या है, व्यवस्थायाम मतलब व्यवस्था अर्थ में, असंज्ञायाम किसी का नाम न हो तो, पूर्वादि ये शब्द है, पूर्व से कहाँ तक कहाँ लेना है, पूर्व से लेकर के अधर पर्यंत, ये क्या करेगा, सन्नाम संज्ञा करेगा, कितनी विभक्ति में बोलो अनुरा, कितनी विभक्ति में, पांच विभक्ति होती है क्या, हे भगवान, सात विभक्तियां होती है, तो सभी विभक्ति में है ना, कोई विभक्ति हो कोई भी प्रत्यय हो, ये क्या करेगा, सन्नाम संज्ञा करेगा। ये कौन कौन सूत्र बोल रहा है, गौण सूत्र, इसको कहते हैं गौण सूत्र। सर्वादि के गण में आया कि नहीं अंतर्भुक्त, पूर्वादि है ना, ये गण सूत्र हुआ। ये गण सूत्र बोलता है कि संज्ञा से भिन्न हो और व्यवस्था अर्थ हो तो पूर्वादि की क्या होगी, सन्नाम संज्ञा होगी। तो पूरी विभक्ति में प्राप्त होगी ना सन्नाम संज्ञा, किसकी, पूर्वादि की, ठीक है। अब ये महर्षि पाणिनि बोलते हैं कि यहाँ पर जो दिया है अगले पन्ने में पूर्व पर, ये तो अष्टाध्याय का सूत्र है, ये क्या है, हाँ 1 1 34, ये अष्टाध्याय का सूत्र है। और गौण के अंतर्भुक्त जो पढ़ा गया पूर्व परावर, वो क्या है, वो गौण सूत्र है, वो धनमंतर है। और ये जो अष्टाध्याय में जो सूत्र 1 1 34, ये क्या बोलता है बोलो, वृत्ति में पढ़ो, वृत्ति पढ़ो। व्यवस्थायां असंज्ञायां चो सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात् सर्वत्र या प्राप्ता साध्यस्य। हाँ अब बोलो इसका अर्थ, बोलो एक आदमी बोलो। हाँ बोलो। पूर्वादि शब्दों का अगर व्यवस्था अर्थ और असंज्ञा संज्ञा ना हो किसी तो का नाम ना हो तो जिसमें विकल्प से सर्वनाम संज्ञा। हाँ, सर्वनाम संज्ञा गण सूत्रात् सर्वत्र यह प्राप्त, इसकी जो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, सर्वत्र प्राप्त थी, सर्वत्र मतलब सभी विभक्तियों में, किस से प्राप्त थे, गौण सूत्र से जो प्राप्त थे, वो जो सन्नाम संज्ञा जस में हो तो क्या होगी, विकल्प से होगी, और बाकी विभक्ति में नित्य होगी। इतना आया, हाँ बताओ, ये सब पढ़े हो फिर क्या होगी, ठीक है राजू सुजाता जी, ठीक है। भूल जाते हैं ना लोग तो ये यहाँ पर इसको कहते, उसको कहते हैं गौण सूत्र, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अभी आप, आपको दो, आप लोग जो दो लिखे हो अभी, क्या लिखे हो दो बताओ, घटादयो घटादयो मितः, दूसरा जप मिच्छ, मितः ये क्या है, गौण सूत्र है, इसको बोलते हैं गौण सूत्र, हो गया। चलिए तो ये बोलता है, तो जप नहीं, आपके ये चल रहा है, आपका घट चल रहा है ना, घट चल रहा है, इसलिए घटादयो मित से क्या हो गया है, मित हुआ है, क्या हुआ है, घटादि गणपटित धातु को मित करेगा ये, तो मित हुआ है ना। और दूसरा मित किससे होता है, ज्ञपमिच, इसलिए वृत्ति में दिया है, सूत्र में जो दिया था मिताम है ना, तो मित धातुओं को, मतलब मित धातु के उपधा को क्या होगी, हर्ष होगा है ना, कब, णिच अथवा णिंग प्रत्यय पर रहते है कि नहीं, इसलिए मित धातु से हम किसको लेंगे, ये तो सूत्र में कहा नहीं है, अष्टाध्याय सूत्र में नहीं कहा ना, इसलिए गौण सूत्र को समझना पड़ेगा। गौण सूत्र ये बता दिया आपको, घटादयो मितः ज्ञापमिच्छ ज्ञापमिच्छ, इसलिए वृत्ति में दिया है, देखो
जपादीनां च बड़ो घटादीनां उपधाया ह्रस्व उपधाया ह्रस्व स्याण नौ। हाँ स्याण नौ अणकार किसको हुआ है? तकार को अणकार हो गया। यरो नासिके नो नासिको हुआ, ये चलाना पड़ेगा। ठीक है अथवा हाँ ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, आ जाओ पढ़ो। आंधी हो रही है बाहर, अब बंद होगी क्या आंधी? धूल बहुत हो रहा था, हवा भी है। तो ये हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ आपके सामने? घाट आगे क्या है? ई है ना, तो घाट प्लस ई है। सूत्र का अर्थ समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आया? हाँ, मिद धातु को पल्लिख दो पहले। सूत्र का अर्थ है मिद धातु, मित मित मतलब मकार, म इदस्य ये सवमित। मित धातु अर्थात घटादि गण पठित और ज्ञपादि गण पठित, और ज्ञपादि गण पठित धातु की उपधा को ह्रस्व आदेश हो। क्या आदेश हो? ह्रस्व आदेश हो। ऋणी परे रहते, क्या परे रहते? ऋणी, ऋणी कहने से ऋणी अथवा ऋणी। ठीक है, जैसे जैसे घाट प्लस ई, घाट प्लस क्या है? ई है, ई हो गया णिच, णिच का इकार आगे आगे घाट है ना। हाँ इसलिए मित है ना, था तो घाट क्यों घटा दी है अंदर, है ना। इसलिए उपधा कौन है? आ है, उसको हर्ष कर दो। हर्ष कर देंगे तो कितना होगा? घटी घटी, ठीक है। हाँ तो घटी घटी यंत्र घटी यंत्र तो घटी की धातु संज्ञा हो जाएगी अभी, ठीक है। हाँ सनातन धातु से अब घटी का ही रूप चलेगा। घटी और आगे क्या है? ती, परसिंपत पहले चलाएंगे। घटी और आगे ती, अब घटी के ई को गुण करो, गुण करने पर क्या होगा? ए आगे एच ओ जब आ जाओ से अय घट यति बन जाएगा, ठीक है। घटयति का अर्थ क्या है? चेष्टा करवाता है, चेष्टा करवाता है, प्रयत्न करवाता है, सुनते हो। और पहले जो घटते था, पहले जो घटते था कि नहीं, आत्मनि पद में घटते का अर्थ चेष्टा करता है अथवा सिद्ध होता है, ऐसा भी होता है सिद्ध होता है, इस अर्थ में भी हो जाता है, सुनते हो। हाँ इदम सूत्रम घटते बोलते कि नहीं, ये सूत्र सिद्ध हो गया। इदम रूपम घटते, ये रूप सिद्ध हो गया। हाँ इदम लक्षणम, तार्किक लोग क्या बोलेगा? हाँ इदम लक्षणम घटते मतलब ये लक्षण घट गया, सिद्ध हो गया बोलते ना, है कि नहीं? हाँ उसी पे अगर होता है सूत्र घट गया, घट गया मतलब क्या? सिद्ध हो गया ना। आगे अब तो चला सकते हो, घटयति घटयतः। घटयतु घटयः कैसे हो गया? आगे अघटयत अघटयन अघटयः अघटयः
अघटयम। हाँ आगे विधिलिंग है, बोले घटयेत यातम भवेत भवेताम बोलता है, घटयेताम बनेगा। हाँ घटयेत घटयेताम घटेयु। हाँ विधिलिंग हो गया, आशलिंग होगा, आशलिंग में क्या होगा घट्याद बनेगा, घटी है ना, घटी है धातु। आगे क्या होगा यास है ना, ई का क्या होगा लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा ना किससे, नरंटी से, घट्याद बन जाएगा, घट्याद घट्यास्ताम घट्यासु। आगे लिट है, लिट आएगा, हाँ घटाई सति होगा, नहीं लूट आएगा, लूट घटाईता बोलो, घटाईतास्मि घटाईतास्व। हाँ थोड़ा आराम से, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग सुनेगा तो उनको पकड़ में नहीं आए क्या बोल रहे हैं उनको भी समझ में आ जावे। आगे घटयिष्यति घटयिष्यतः घटयिष्यन्ति घटयिष्यसि घटयिष्यामि अघटयिष्यत् अघटयिष्यताम् अघटयिष्यन् अघटयिष्यः अघटयिष्यम् अघटयिष्याव। हाँ कुछ रिकॉर्डिंग लोग सुन कर भी कुछ लोग पढ़ते हैं, मेहनत से कोई कोई पढ़ते हैं भी, ऐसे भी लोग होते हैं कि पास कोई पढ़ाने वाला ना हो, है कि नहीं, बहुत जगह पर ऐसा है ना, फिर बेचारा कहाँ पढ़ने जाएगा फिर ऐसे भी होते हैं, अथवा जो एक बार पढ़ लिया दोबारा उसको आवृत्ति भी करता है, ऐसे भी होता है, होता है। हाँ जी अश्वत्थामा की तरह मतलब एकलव्य हो, एकलव्य है, हम तो उंगली नहीं काटेंगे भाई द्रोणाचार्य तो उंगली काट ले, हम नहीं काटेंगे उंगली भाई काय को काटना चलो अब क्या आएगा, लिट आएगा, परोक्ष लिट से लिट हो जाएगा। तो घटायाम घटायाम चकार घटायाम चकार घटायाम चक्रतुहु घटायाम चकर्थ घटायाम चक्रतुहु घटायाम चक्र घटायाम चकार घटायाम चक्री। हाँ दो रूप होता है, घटायाम बहुव घटायाम बहुवी था, घटया मास घटया मासतु घटया मासु घटया मासिथ घटया मास घटया मासिव। हो गया नारायण, अब क्या आएगा लुंग आएगा, तो लुंग होगा तो इसको कॉल करेंगे तो अच्छा है, अजिघटत बनेगा तो अजिघटत बनेगा है, इसको कॉल करेंगे है। हाँ ओ है, कल छुट्टी है।